हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे आपको अपना आइटम क्रिएट करना है और कैसे आपको उसको मॉडिफाई या डिलीट करना है। तो ये कभी भी आपको करना पड़े तो आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में इजी वे में कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आपकी कंपनी क्रिएशन हो, चाहे आपने फार्मा कर रखा हो, चाहे ग्रोसरी कर रखा हो, या जनरल बिलिंग, ऑटोमोबाइल, किसी में भी आपने जो है कंपनी क्रिएशन किया हो और किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, तो सेम प्रोसीजर है आइटम को बनाने का, मॉडिफाई करने का और डिलीट करने का। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे इसके बारे में दोस्तों। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती हैं। और अगर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज आपको चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको बाय करना है तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है मास्टर के मेनू में। जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मास्टर के मेनू में आना है, इन्वेंटरी मास्टर और आइटम मास्टर। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी आइटम लिस्ट में पहुंच जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो इसमें एक ये है कि आप अपने मेनू से जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, आई फॉर इंडिया। जैसे ही कंट्रोल आई करेंगे तो अपने आइटम लिस्ट में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको नया आइटम क्रिएट करना है तो F2 प्रेस करेंगे, और यदि कोई आइटम क्रिएटेड है पहले से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चार आइटम पहले से क्रिएट हो रखे हैं, अगर इनमें से किसी को मॉडिफाई करना है तो F3 से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल इसकी ओपन हो गई है। तो दोस्तों हम सबसे पहले एक नया आइटम क्रिएट करते हैं, तो मैंने F2 किया। अब F2 करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आइटम क्रिएट करना चाहता हूँ, वाटर बॉटल। तो ये मैंने आइटम क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों इसका कोई भी बारकोड है आप बारकोड डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अब यूनिट, दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं यूनिट में, क्या करते हैं वो इसको हटा के डाल देते हैं कि मेरे पास अभी 80 पीस है। ये गलत है। ये यूनिट क्या है दोस्तों, कि ये जो आइटम है ये किस यूनिट में आप सेल करते हैं, पीसेस में सेल करते हैं, केजी में सेल करते हैं, लीटर में सेल करते हैं, मीटर में सेल करते हैं, जो भी यूनिट है तो वो यूनिट आपको यहाँ पे डालनी होती है। अब जैसे जो ये वाटर बॉटल है ये मैं लीटर में सेल करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लीटर कर दिया, LTR, जो भी यूनिट की एक शॉर्ट जो वर्ड होते हैं, जैसे पीसेस का PCS, लीटर का LTR, ठीक है, मीटर का MTR, तो वो आपको यहाँ पे तीन से चार कैरेक्टर में डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल्स को आप चाहें तो यस करें या नो करें। ये डेसिमल्स क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि 0.30 के अकॉर्डिंग आपको अगर क्वांटिटी सेल करनी है, या फिर 1.36 इस तरीके से क्वांटिटी को सेल परचेज करना है, तो आप इसे यस करेंगे। अगर आपका राउंड ऑफली है कि मतलब या तो कोई एक खरीदेगा या दो या दस या बीस, उसमें कोई भी डेसिमल्स नहीं है, तो आप इसे नो छोड़ देंगे। उसके बाद फास्ट सर्च को आप जो है ऐसे नॉर्मली ही छोड़ सकते हैं, कलर टाइप को नॉर्मल रख सकते हैं, और जो आइटम टाइप है इसको भी नॉर्मल रखें। अब ये कंपनी, अब यहाँ पे जो ये कंपनी है ये आइटम की कंपनी है आपके, तो अगर इसे क्रिएट करना है तो यहाँ पे एन का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस से आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे एन के ऊपर, तो यहाँ पे कंपनी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कंपनी भी अगर बनाना है तो F2 करेंगे, और F2 करने के बाद सपोज कि ये जो है वाटर इंडिया के नाम से कंपनी है, उस कंपनी का है, आपको ऐसे डाल देना है और Ctrl W से इसे सेव कर देंगे। एक बार एस्केप करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी बन गई, और ऐसे ही आप जो है दोस्तों एंटर करके ग्रुप, अब इसका ग्रुप बनाना चाहे तो सेम आप एन का बटन प्रेस करके, अब सपोज हमने इस पे F2 किया और ग्रुप बना दिया हमने इसका फूड, और एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप एक ऐड हो गया हमारा फूड। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी, ग्रुप, कैटेगरी आप बना सकते हैं। दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ये सारी चीजें डाल के रखते हैं तो इसके बेस पे आपको फिल्टर करने का ऑप्शन मिलता है आगे, आपको जो है रिपोर्ट देखने में काफी इजी हो जाता है। आपको अगर और भी ज्यादा रिपोर्ट्स देखनी है कि हमने फूड के प्रोडक्ट कितने सेल कर दिए हैं, हमने जो है इसमें ग्रुप कितने सेल कर दिए हैं, तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है मिलती है इनके अकॉर्डिंग, अगर आप डालना चाहें तो। अगर दोस्तों आप चाहें कि नहीं मेरे को ये सारी चीजें कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें कैटेगरी नहीं डाला, तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो भी HSN कोड है, आप HSN कोड को इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, अगर बनाना पड़े तो F2 करके आप बना सकते हैं, और अगर इनको मॉडिफाई करना है तो सेम F3 करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एंटर एंटर एंटर। अब जितनी भी इसकी MRP है, मैं जैसे कि इसकी MRP 30 रुपए की है, और जो मुझे खरीद रेट आता है, ये पी रेट दोस्तों परचेज रेट है, तो यहाँ पे मुझे खरीद रेट जो आता है वो आता है मान लीजिए 14 रुपए में। कॉस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो है अपडेट करेगा, जितनी भी जैसी परचेज आप चढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अब मुझे बेचना कितने में है, तो ये रेट A वही है, तो जैसे मुझे बेचना भी 30 रुपए में। उसके बाद दोस्तों नीचे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी एडवांस लेवल पे है, तो इसके लिए जो है हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि जो जितनी भी एडवांस चीजें आप देख पा रहे हैं कि डिस्काउंट,
ऑफर स्कीम ये सारी चीजें, तो हम अगली वीडियो में इस चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। बाकी की चीजें आप जो है एंटर, अब इसको जो है एंटर एंटर करके भी सेव कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इतने एंटर ना करना पड़े आपको तो कंट्रोल डब्ल्यू से भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया और एंटर किया। अभी देखिए मैं एस्केप करता हूं तो यहाँ पे ये वाटर बॉटल का आइटम बन चुका है। अब मुझे अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मैं इस पे F3 प्रेस करूंगा, और सपोज की वाटर बॉटल में मैंने ये डालना भूल गया कि कितने लीटर का है, तो मैंने कर दिया 1 लीटर वाटर बॉटल, और उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने सेव कर दिया। तो ये देखिए अब ये मेरा आइटम अपडेट हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो दोस्तों सिंपल जो कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन होता है, बटन जो होता है, इस पे क्लिक करना है और इसे यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो ये आइटम अब डिलीट हो चुका है, अब आपको कहीं पे भी इसका रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा, कहीं पे भी इसकी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अब आपको नया ही बनाना पड़ेगा, फिर वही रिपीट आप करेंगे, F2 से आप नया बना सकते हैं। तो दोस्तों समझ पाए होंगे कि कैसे आपको नया आइटम क्रिएट करना है, कैसे जो पहले से क्रिएटेड आइटम है उसको मॉडिफाई करना है, और कैसे अगर कोई आइटम ऐसे है जिसको डिलीट करना है तो डिलीट के बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमारे कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन दें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर आपको मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर की सर्विसेज लेनी है या बाय करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।